हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे LCZ 10mg टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में यूज की जाती है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह LCZ 10mg टैबलेट जो कि रेप्रोज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 43 रुपीज है, जो कि एक स्टेम में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों, ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो हम देखते हैं लिपोसिट्राजिन 10mg टैबलेट। दोस्तों, LCZ टैबलेट जो कि एलर्जी का सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, एलर्जी की समस्या हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 2, शरीर में कहीं भी खुजली हो रहा हो तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद देखा गया है। नंबर 3, एक्जिमा हो। नंबर 4, डर्माटाइटिस हो। नंबर 5, कोल्ड की समस्या हो, यानी कि बार बार छींक आना। नंबर 6, आंखों से पानी आना। नंबर 7, नाक बहना। नंबर 8, रिएक्शन हो किसी दवाई से। नंबर 9, खारिश हो। नंबर 10, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं किसी किसी को, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 11, चकत्ते पड़ना। नंबर 12, बाई दफा होता है कीड़ा वगैरह काट लेता है या गीले कपड़े पहनने की वजह से भी छोटे छोटे चकटे टाइप में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट के इतने सारे फायदे हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में यूज कैसे करें। तो दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन को देख कर डोज फिक्स करते हैं। एडल्ट को दिन में 1 से 2 टैबलेट लेना होता है खाना खाने के बाद, और चाइल्ड के लिए सिरप अवेलेबल है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज कर रहे थे, बात ध्यान रखें। नंबर 1, बाई दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो इस टैबलेट का यूज ना करें। नंबर 2, ड्राइव करते वक्त भी ना लें। नंबर 3, किडनी पेशेंट भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाई दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि स्लीपनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारा वीडियो LCZ 10mg टैबलेट के बारे में, जो कि एलर्जी का सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों, इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि LCZ 5mg टैबलेट, LCZ 10mg टैबलेट, LCZ+ टैबलेट, LCZ कोल्ड टैबलेट, LCZ माउंट टैबलेट, LCZ सीरप, LCZ कोल्ड सीरप और LCZ माउंट सीरप भी अवेलेबल है, जो कि टैबलेट एडल्ट के लिए होती है और सीरप बच्चे के लिए होती है। तो डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन को देखकर अलग अलग टैबलेट यूज करवाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।